नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। मैं हूं साहिन परवीन। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खबर हजारीबाग से है। 137वें उपायुक्त के रूप में नैन्सी सहाय ने हजारीबाग उपायुक्त का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने शनिवार को नव पदस्थापित उपायुक्त को पदभार सौंपा। नैन्सी सहाय भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच की अधिकारी रही है। इसके पूर्व प्रबंध निदेशक मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची के पद पर थी। आदित्य आनंद ने हजारीबाग के उपायुक्त के रूप में 8 अगस्त 2020 से 25 फरवरी 2022 तक अपना योगदान दिया। इसके पश्चात नई उपायुक्त पत्रकारों के साथ मुखातिब हुई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार की योजनाओं को अधिकारियों के साथ मिलकर प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की बात कही। पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया जगत एवं जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर हजारीबाग के विकास को आगे बढ़ाने पर जोर देगी। आइए सुनते हैं नैन्सी सहाय ने क्या कहा। डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोग्रेस रहा है या किन चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, आपके माध्यम से वो जनता को भी जानना जरूरी है। तो मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग हर महीने करेंगे।